हम कहीं भी कथा करने जाएं, भारत में या विदेश में, हमारा निर्णय तय है कि हमें भारत बाप और माता पिता का आशीर्वाद हो तो मैं सफलता मिल करके रहेगी। जब लोग तुम्हें पागल कहने लगे, समझ जाना तुम सही चल रहे हो। जब लोग तुम्हारी निंदा करें, समझ जाना तुम उनके मुंह पर तमाचा मारे। हमारी निंदा होती है क्योंकि हम उनके दिलों में जिंदा है, इसलिए हमारी निंदा होती है। और जो अपनी बराबरी नहीं कर सकते वो निंदा करती है। लेकिन निंदा करें तो कई लोगों का दिमाग भड़बड़ जाए, नहीं हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हमें ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ नहीं करना है, धीरे से कह दिया करो, सेम टू यू, बढ़ाना नहीं है। चौथी आदत, टेंशन में नहीं अटेंशन में जियो। मतलब चिंता में नहीं चिंतन में जियो। चिंता मत करो कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, नहीं, प्रभु का नाम लेकर के तुम करते रहो। भैया, दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी, सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा। लो, बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे तुम्हें IAS बनना हो, चाहे IIT करना हो, या तुम्हें किसी भी बड़े हॉस्टल में जाना हो, अथवा तुमको कोई बहुत बड़े पद पर सिविल सर्विसेज मार्ग में, या SDM, DM, तहसीलदार, दुनिया का IPS, किसी भी पद को तुम्हें प्राप्त करना हो, इन 5 आदतों को डाल लो। हमारी अजमाई हुई आदतें हैं, जिंदगी में तुम्हें घाटा नहीं कभी खाना पड़ेगा। से है, अगर ज्यादा बोलना होता तो भगवान दो मुंह देते कि नहीं देते। आदतों वाला, इसको आप रोज अपने जीवन में उतार लो। सूर्योदय से पहले जागो, कम बोलो, निंदा से घबराओ मत, लक्ष्य को निर्धारित करो, खुद पर भरोसा करो, टेंशन में ही नहीं अटेंशन में, मतलब सावधान रहो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको सफलता से रोक नहीं। आदतों के साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कोई भी काम तुम्हारा मैंने सुकार कठिन जग। तुम पाओ नहीं हो, तुम पाओ काम कठिन। तो हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य भगवान को निगल लिया, युग सहस्त्र योजन पर लील्यो ताही मधुर फल जानु कारण। कौन सी भूख के कारण? ज्ञान की, ज्ञान